नमस्ते दोस्तों, मैं मानसी नेगी आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कहीं भी नहीं ले जा रही, बल्कि मैं आप लोगों के कमेंट पे अमल करते हुए आज मैं आप लोगों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलाऊंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक अच्छा सा दिन जो बिताया मैंने अपने मम्मी पापा और हस्बैंड के साथ घर से बाहर। मौका मिलने पर मैं आपको अपने सास ससुर से भी ज़रूर मिलाऊंगी। चलिए दोस्तों, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम गए रिकांगपियो मेरे ज़रूरी काम से। मेरा ज़रूरी काम था एक गाने की रिकॉर्डिंग, इसके लिए हम गए सूर्या नेगी जी के स्टूडियो, जो बहुत ही पॉपुलर स्टूडियो है। दोस्तों, सूर्या नेगी जी का स्टूडियो रिकांगपियो में युआरिंगी में स्थित है। तो ये लीजिए, हम पहुंच गए युआरिंगी टैंक के पास और इसी बिल्डिंग में उनका म्यूजिक स्टूडियो है। वैसे तो सूर्या नेगी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, ये ऐसे कलाकारों में से एक है जो किन्नौर में ही नहीं, हिमाचल में ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी बहुत ही लोकप्रिय हैं। दोस्तों, ये लड़का बहुत ही बेहतरीन नेपाली कलाकार है। मेरे हस्बैंड भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। सॉन्ग रिकॉर्डिंग में मुझे 2 या 3 घंटे लग गए, काम कंप्लीट हो गया, पर फिर थकावट भी होने लगी और भूख भी लगने लगी, तो हमने डिसाइड किया कि हम लंच के लिए बाज़ार जाएंगे, क्योंकि बाज़ार में मुझे भी ज़रूरी काम था और मेरे हस्बैंड को भी ज़रूरी काम था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि 2 पे 2 क्या जाना लंच के लिए, चलो मम्मी पापा को भी बुला लेते हैं। तो मैंने मम्मी पापा को फ़ोन किया और मम्मी पापा भी फ्री थे, तो मम्मी पापा भी आ गए। आप सभी जानते हैं मेरा मायका कोठी में है,
जो रिकांगपियो से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पापा मम्मी को लेने हम गांव ही चले गए। लीजिए हम पहुंच गए रिकांगपियो। ये मेरी मम्मी का फेवरेट रेस्टोरेंट है। जब भी मम्मी साथ होती है तो हम यहीं आते हैं। हमारी चॉइस तो बदल भी जाती है पर मम्मी की चॉइस नहीं बदलती। खाने के ऑर्डर में देर तो होनी ही थी, तो हम टेरेस पर आ गए क्योंकि यहाँ से बाजार का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। Thank you.
लंच करने के बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर घर चले गए। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।